सर्व शिक्षा की राजधानी काशी में रविवार को आकाश इंस्टीट्यूट दुर्गाकुंड वाराणसी के विद्यार्थियों का ऐतिहासिक रोड शो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। मौका था नीट 2023 की प्रवेश परीक्षा में आकाश के विद्यार्थियों ने पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ अंक हासिल कर आज के रोड शो के माध्यम से यह साबित कर दिया कि आकाश है तो मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में सफल होना मुमकिन है। बता दें कि कोटा के बाद बनारस ही मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारियों के लिए हब के रूप में विख्यात है। यहाँ कभी JRS कबीर नगर के विद्यार्थियों का इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में दबदबा कायम था, लेकिन विगत कई वर्षों से नीट यानी मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में आकाश बायजू वाराणसी के डायरेक्टर विष्णुदेव तिवारी के कुशल नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से बनारस ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ रैंक हासिल करके बनारस की कोचिंग मंडी में अपना ऐसा दबदबा कायम कर लिया है कि अब उसे अपना ही रिकॉर्ड पीछे छोड़ना पड़ रहा है। बताते चलें कि आकाश इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विष्णुदेव तिवारी की माने तो नीट UG 2023 की प्रवेश परीक्षा में आकाश इंस्टीट्यूट के 302 विद्यार्थियों ने 600 अंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। नीट 2023 की प्रवेश परीक्षा में इतिहास रचने वालों में हर्ष कुमार ने 706 अंक के साथ जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनके अलावा अब्दुल रफी अंसारी 705 अंक, हर्षित कुमार 701, साकेत दुबे 700 अंक हासिल कर पूर्वांचल को गौरवान्वित किया है। स्थान के निदेशक विष्णुदेव तिवारी एवं आनंद प्रकाश पांडे ने बताया कि 4 छात्र 700 प्लस अंक, 100 छात्र 640 प्लस अंक एवं 300 छात्र 600 प्लस अंक प्राप्त कर संस्थान का नाम रोशन किया है, जो कि किसी भी संस्था के लिए अभूतपूर्व कीर्तिमान है। आप देख सकते हैं आकाश दुर्गाकुंड सेंटर के डायरेक्टर विष्णुदेव तिवारी के कुशल नेतृत्व में हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने पूरे गाजे बाजे के साथ विशाल रोड शो निकाल कर इतिहास रच दिया है। आज के रोड शो को अद्भुत अतुलनीय शानदार बनाने के लिए नीट 2023 में सर्वश्रेष्ठ अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को बाकायदा केसरिया साफा पगड़ी बांधकर खुली जीप में सवार कराकर उन्हें दुर्गाकुंड से लेकर कबीरनगर कोचिंग मंडी में विशाल जुलूस के रूप में उनका स्वागत किया गया। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जब आकाश का जुलूस कबीरनगर कोचिंग मंडी पहुँचा तो वहाँ JRS, स्काई, ओरिगेंस आदि कोचिंग संस्थान के विद्यार्थियों ने अपनी खुशी का इजहार किया। अंत में पूरा जुलूस कबीरनगर स्थित कबीर उपवन यानी सोनिका पार्क के नाम से विख्यात है वहाँ पहुँचकर बाकायदा जश्न के रूप में इसका समापन हुआ। कार्यक्रम का कुशल संचालन आकाश के निदेशक विष्णुदेव तिवारी ने किया। देखिए आकाश इंस्टीट्यूट के ऐतिहासिक जुलूस की एक झलक। यार दम है तुम लोगों में, हिप हिप ऑल इंडिया रैंक 82, EWS कैटेगरी रैंक सेकंड, हर्ष कुमार सिंह एम्स दिल्ली इनका स्वागत कर रहा है। इसके लिए जोरदार क्लैप करो। अब्दुल रफी अंसारी ऑल इंडिया रैंक 100, OBC रैंक 16, एम्स दिल्ली पलक पौड़े बिछा के इनका स्वागत करने को तैयार है। अगर देखना है हमारी उड़ान को तो जरा ऊंचा कर दो आसमान को। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस बार 4 स्टूडेंट है जिनके 700 से ऊपर नंबर है। चारों स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो रहे हैं। चारों स्टूडेंट 11th और 12th के साथ सेलेक्ट हो रहे हैं। ये सब बड़े अचीवमेंट है, तो एक बार फिर से इनका वेलकम करेंगे।
भेजते नारों में धरती अंबर गलियारों में आकाशियन का नाद यूं गूंज रहा मानो मानो राक्षसों के दालन को दुर्गा ने चंडी का रूप भरा। ऐसा आज वातावरण महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है आकाशियंस के हाथ में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का कोई मूल मंत्र आ गया है। पहले 100, फिर 200, फिर 300 और अब यह आंकड़ा 400 पार कर गया है। इसका सबसे बड़ा श्रेय आकाशियंस के सारे फैकल्टीज को जाता है और हमारे विष्णु देव जी जिनके रगों में पानी है उसको खून बना देते हैं और उस खून में उबाल ला देते हैं। तो आप भारत के भविष्य हो, काशी का नाम आप सबने रोशन किया है। जिस तरह से कोटा में एक इकोसिस्टम बना हुआ था उसको चुनौती देने का काम किया है, आप सबके लिए एक बार ताली बजाने की आवश्यकता है। सूरज चंदा तारे जुगनू सबकी अपनी हस्ती है, जिसमें जितना नीर वो बदली उतनी देर बरसती है। तेरी हिम्मत अपार, वो तेरी शक्ति अपार, तू तो लाया रे अकेला गंगा धरती पे उतार। हिम्मत ना हार, चल चला चल आकाशियन, चल चला चल। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपके उज्जवल भविष्य के लिए। इस बार हम 700 से स्टार्ट करके 706 तक आए हैं। हम चाहेंगे कि हम इसे अगले साल 720 पहुंचाएं। इस बार हम 300 तक पहुंचे हैं, अगले साल हम चाहेंगे हम इसे 500 बच्चों को यहां से सेलेक्ट कराएं। और इसके लिए जितनी मेहनत करनी होगी आप भी करने को तैयार हो, आप भी जोश में हो, हम भी जोश में हैं और हम चाहेंगे अगले साल इससे भी बड़ा रोड शो हम लोग करें और कम से कम अपने शहर से 720 नंबर तक किसी को लाए। ओके, थैंक यू। बच्चों, सिलेक्शन होना एक प्रयास है, प्रयास से ही परिणाम निकलता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना प्रयास अपने साथ करना चाहते हैं। आप जितना प्रयास करेंगे उतना अच्छा परिणाम निकलेगा। हालांकि ये दुनिया आपको दिग्भ्रमित करेगी कि परिणाम ही सिर्फ हमें चाहिए, लेकिन ये परिणाम प्रयास से ही होता है। करना आपको है, ये सारा सारा सारी चीजें आपको उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन करना तो आपको ही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। एक्साइटेड है डांस करने के लिए? तो थोड़ा पीछे जाएंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे, लगा दो सुबह पहले पहला गाना ये आरंभ है। प्रचल सावधान आजे धनुष के बाण पे उतार दो, प्रचंड बोल मस्त मोटे चुंड आज धन की घड़ी के तुम गुहार दो, बाण शाली जाके दान सावधान आजे धनुष के बाण पे उतार दो। Yeah.
कमिटमेंट के साथ 2024 में फिर से एक बड़ी ऊंचाई अचीव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त हमारे साथ हैं आनंद पांडे, आकाश इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर। इतने बड़े भव्य और दिव्य रोड शो के बारे में क्या आपका उद्देश्य था और क्या कहना चाहेंगे आज बच्चों के लिए? डिमांड थी या कह लीजिए बच्चों की ये जरूरत थी, बच्चों के प्रोत्साहन के लिए इतना बड़ा ऐतिहासिक रोड शो किया है। इसके पहले किसी ने ऐसा रोड शो किया नहीं था और इसके पहले बनारस के इतिहास में या कहें यूपी के इतिहास में ऐसा रिजल्ट अब तक किसी का आया नहीं था। तो यूपी के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक रिजल्ट है कि एक सेंटर से, आकाश के एक सेंटर से 700 से ऊपर चार बच्चों के नंबर और टोटल 22,000 के भीतर 302 बच्चों का सिलेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है इस शहर के लिए और यूपी के लिए। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रोड शो का आयोजन हम लोगों ने किया था बच्चों के जोश के चलते और बच्चों के चलते। धन्यवाद।